और बुलेटिन में बात उस इतिहास की जो गलत पढ़ाया गया। हिंदुस्तान के सीने में छुपा हुआ है सबसे बड़ा कांटा, जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था का जहर हिंदुस्तान की संस्कृति में एकता का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कहां से आया जाति वाले ये जहर? इस जहर के कई मुजरिम हैं। पहले मुजरिम तो अंग्रेज इतिहासकार है, सबसे बड़े मुजरिम वामपंथी इतिहासकार है, जो आजादी के बाद भी जाति व्यवस्था को लगातार खाद पानी दे रहे हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था के जहर का डोज समाज के हर वर्ग को दिया है, हर तरीके से दिया है। यहाँ तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। जिन वेदों को सनातन धर्म ने ईश्वर की वाणी माना, उन वेदों को एनसीईआरटी की किताबों के जरिए खूब कलंकित किया गया है। एनसीईआरटी की छठी क्लास की किताब हमारे अतीत पार्ट 1 के पेज नंबर 55 पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखिए। इन वेदों की रचना ब्राह्मणों ने की और इसमें बताया गया कि धार्मिक क्रियाओं को कैसे करना है। ब्राह्मणों ने समाज को चार हिस्सों में बांट दिया जिसे वर्ण कहा गया। उनके मुताबिक हर वर्ण का अलग काम है। औरतों और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं, तो वो ब्राह्मण ही होगा और उसकी आने वाली पीढ़ी भी ब्राह्मण ही मानी जाएगी। बाद में इन्हीं ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अस्पृश्य करार दिया। सहज भाव से लिखी गई इन बुद्धिजीवी पंक्तियों में जहर का कितना बड़ा डोज दिया गया है ये आप समझ गए होंगे। बुद्धिजीवी इतिहास लेखन के वामपंथी षड्यंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि बच्चों के मन में भरे गए इस जहर को आसानी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हकीकत पर से पर्दा उठना चाहिए। जिन वेदों को हमारी एनसीईआरटी की किताबों में वर्ण भेद की स्थापना करने वाला बताया गया है उसमें लिखा क्या गया है जरा ये भी जान लेते हैं। यजुर्वेद के 26वें अध्याय की दूसरी ऋचा को देखते हैं। यथेमा वाचम कल्याणी माओदानी जनेभ्य ब्रह्मरा जन्याभ्य शूद्राय चार्याय च स्वाय चार्याय च प्रियो देवानाम दक्षिणियाय दातुरिह भूया समयम मे काम समृद्ध्यतामु पमादु नमतु। अब जरा इसका अर्थ भी जान लेते हैं। हे मनुष्यों, मैं ये कल्याणकारी वेदवाणी मनुष्य मात्र के लिए कहता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य अपने पराए सभी के लिए कहता हूँ। प्रभु का बनाया सूर्य सबके लिए, चंद्र सबके लिए, जल सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए है। जैसे मैं सब मनुष्यों के लिए इस संसार में इस प्रकट की हुई सुख देने वाली चारों वेद रूप वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे आप लोग भी अच्छे प्रकार से उपदेश करें। जैसे मैं इस दान से सबके लिए प्रिय हूँ और मुझे परोक्ष सुख प्राप्त हो, वैसे ही आप भी अच्छे कर्मों से सुख पाएं और सबके प्रिय बने। कहने की जरूरत नहीं कि अगर सनातन धर्म के अनमोल अलौकिक ग्रंथों की अगर सही अर्थों में व्याख्या होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी धरती से भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को इनकी फर्जी व्याख्या में सियासी फायदा है वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सनातन ग्रंथों की सही व्याख्या न होने पाए और इसी का नतीजा है कि आजादी के 70 साल बाद भी हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था की जंजीरें कटने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।